उठा के कुंबड़ा भाजी बनाऊंगी। कुंबड़ा फ्राई करने के लिए मैंने फ्रेश कुंबड़ा लिए हैं। अभी मेरी माँ अच्छी तरह से सिल के निकल लेंगे, उसके बाद मैं कुंबड़ा फ्राई बनाऊंगी। को अच्छी तरह से साफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में स्लाइड कर लिए हैं। अभी मैं पानी से धो लूँगी। कुमड़ा मैंने अच्छी तरह से पानी से धो लिए हैं। अभी सारे मसाला देके 10 मिनट तक मिक्स करके ऐसे ही रख दूँगी। सारे मसाला दे दिए हैं। मसाला में मैंने हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और मिर्ची पाउडर देके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मसाला के साथ अच्छी तरह से कुंबड़ा को मैंने मिक्स कर लिए हैं। अभी तवा में फ्राई कर लूँगी। कुंबड़ा को मैंने दे दिए हैं। अभी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। दो तीन मिनट तक कुंबड़ा को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं। अभी मैं ढक्कन देके गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करके ऐसे ही रख दूंगी 5 मिनट तक। एक साइड को अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिए हैं, दूसरा साइड भी ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। ये कुंबड़ा भाजी खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप लोग भी ऐसे बना के खा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए कुंबड़ा फ्राई हमारी हो गई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अभी मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके एक प्लेट में निकल लूँगी। ये देखिए फाइनली हमारी कुंबड़ा फ्राई हो गई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी काला रही है। खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है गरम गरम राइस के साथ। आप लोग भी ऐसे बना के खाएं और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की कुंबड़ा फ्राई आप लोगों को कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।